न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। गुजरात की जितनी भी सरकारें आई 1960 से आज तक की सभी सरकारों ने जो सबसे बड़ा छलावा किया है, सबसे बड़ा चीटिंग किया है, वो दारूबंदी के नाम पर किया है। शुरुआत में थोड़े वर्ष कोई सिंसियर प्रयास किए गए कि दारूबंदी का अमल हो, मगर बाद में पहले कांग्रेस ने और बाद में भाजपा ने इसे धंधा ही बना दिया। दारूबंदी कोई मोटिव नहीं है, दारूबंदी कोई कांग्रेस या भाजपा के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, न गांधी जी को दी हुई कोई अंजलि है। कहा जाता है गुजरात में दारूबंदी क्यों है, तो कहा जाता है कि गुजरात में गांधी जी पैदा हुए थे इसलिए दारूबंदी है। मगर ये छलावा है, गुजरात में दारूबंदी इसलिए है ताकि गांधी जी की तस्वीर छपी अब्बजो रुपये की जो नोट है, जो करेंसी है, वो उन्हें मिल रही है, भाजपा कांग्रेस दोनों को। और कल क्या हुआ, कल बड़ा अजीब तमाशा हो गया। गुजरात के एक बड़े अच्छे अखबार के जो मालिक है, उनके कुटुंब के दो लड़के, दो बच्चे दारू की महफिल से पकड़े गए हैं। मेरी पूरी सिंपत्ति है वो फैमिली के साथ, वो लड़कों के साथ। कहा जाता है कि 19 लड़कियां थी वहां, उसे जाने दिया गया, तो बड़ी टीका की है दूसरे अखबारों ने, मगर मेरी पूरी सिंपत्ति वो 19 बच्चियों के साथ है जो वहां थी, क्योंकि गुजरात में दारूबंदी ही छलावा है। गुजरात में सही मानों में दारूबंदी है ही नहीं, ये तो भाजपा और पहले कांग्रेस के लिए नोट छापने का मशीन बन गई है। गुजरात में अगर सही मायनों में दारूबंदी का अमल होता तो मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं चाहता हूं, मैं खुद दारू नहीं पीता, मैं दारू पीने वालों को कोई बढ़ावा देने के लिए ये बात नहीं कहता हूं। मैं चाहता हूं कि गुजरात में बड़ी सख्त दारूबंदी हो या न हो, ये जो छलावा है वो बंद हो जाए। और गांधी जी के नाम पर ये छलावा चल रहा है। पहले कांग्रेस थी, तब कहा जाता था कि भाई कांग्रेस गांधी जी को मानने वाली है तो दारूबंदी है, मगर जब भाजपा आई, शुरुआत में लगा था कि भाजपा शायद ये दारूबंदी उठा लेगी, मगर नहीं उठाती, क्योंकि जैसे ही भाजपा भी सत्ता पे बैठी, उन्हें पता चल गया कि ये इतना बड़ा रिजर्व बैंक की जो मशीन होती है नोट छापने की, इससे भी बड़ी मशीन यहां लगी हुई है गुजरात में, प्रेस लग गई है, ये प्रेस है, दारूबंदी नहीं है, ये नोट छापने की प्रेस है। और कल अखबार के मालिक के बच्चे फंसे। अब ये अखबार ने हजारों लोगों के नाम छापे हैं कि ये भाई भला भाई दारू पीते हुए पकड़े गए, जब आप अपने बच्चों की बारी है, उन्होंने नाम नहीं दिए, नाम ही नहीं दिए, उनका उल्लेख भी नहीं किया गया, कुछ समाचार भी नहीं लिए गए। तो ये जो बात है दारूबंदी की, उसके लिए मेरे कोई सवाल है। पहली बात यह है कि अगर दारूबंदी इसलिए है गुजरात में कि ये गांधी जी का गुजरात है, गांधी जी यहाँ पैदा हुए थे, गांधी जी यहाँ कर्मभूमि है, तो मेरी एक बात आपसे है कि गांधी जी ने गुजरात को कर्मभूमि बनाई, उससे ज़्यादा मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मेरे पास कोई फिकर नहीं है, मैंने दिन निकाल के नहीं चर्चा कर रहा हूँ, मगर उससे ज़्यादा गांधी जी वर्धा में रहे होंगे जहाँ उनका आश्रम था, महाराष्ट्र में रहे वर्धा में, वहाँ भी उनका आश्रम था। गांधी जी दिल्ली में भी बहुत रहे, और अगर गुजरात में गांधी पैदा हुए, उसकी शिक्षा हो रही है गुजरात वासियों को दारूबंदी के नाम पे, तो गांधी जी ने आखिरी श्वास दिल्ली में लिए, तो दिल्ली में दारूबंदी क्यों नहीं? और ये कौन सा कानून है इस देश में कि 125 करोड़ की बस्ती में से सिर्फ 6 करोड़ लोग दारू नहीं पी सकते, और 1 करोड़ 1 अब्बज और 19 करोड़ लोग दारू पी सकते हैं? मुझे कोई दारू अच्छी चीज नहीं लगती, मैंने कभी नहीं पी,
मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी मेरी चॉइस नहीं है, दारू पीना मुझे पसंद नहीं है, ये हो सकता है मेरी चॉइस हो, मगर दूसरे जो लोग हैं जो दारू पीना चाहते हैं उसे मैं कैसे रोक सकता। वो गुजरात में आज कहते हैं कि कोई 10 15 25 हजार या 20 लाख लोगों के जो दारूबंदी के हिमायती है, जो असल में गांधीवादी है, और वो कहते हैं, धमकी देते हैं कि अगर दारूबंदी उठाई गई तो हम अनशन करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मगर मैं कहता हूं कि जब गांधी जी जिंदा थे तब ये देश में जो कानून थे क्या वो कानून आ जाए? गांधी जी जिंदा थे तब कोई भी हिंदू चार नहीं 5 6 7 10 पत्नियां कर सकता था। गांधी जी के समय में हिंदुओं पे कितनी पत्नी करना उसका कोई कानून नहीं था। हम कहते हैं कि मुसलमान 4 पत्नी करते हैं। 1953 से पहले ये देश में हिंदू कितनी शादी करेगा उसकी कोई अपर लिमिट थी ही नहीं। आप चाहे इतनी शादी कर सकते थे, कोई मेहर देना नहीं, किसी को तलाक देने की जरूरत नहीं। आपने एक शादी की है, दूसरी भी कर लो, तीसरी भी कर लो, जिसको चाहे घर से निकाल दो। अब गांधी जी गए 49 में, हम 53 में कानून ले आए कि अब हिंदू जो है वो एक ही शादी करेंगे। क्या गांधी जी की आत्मा को दुख हो रहा है कि जब मैं था हिंदू 2 शादी कर सकते थे, 3 शादी कर सकते थे, मेरे जाने के बाद अब हिंदू ज्यादा शादी नहीं कर सकते, तो कानून बदले गए। अभी होमोसेक्सुअल एक लिंगी लोगों के बीच में संबंध रखने की अनुमति आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाँ कह दी, अब सुप्रीम कोर्ट हाँ कहने जा रहा है। अब बताओ मुझे कि गांधी जी ये बात मंजूर रखते हैं उनके समय में? उनके समय में नहीं रखते। मगर मैं समझता हूं गांधी जी हमारे हम सबसे भी ऊंचे दर्जे के क्रांतिकारी थे, बड़े ही एडवांस आदमी थे। हो सकता है कि गांधी जी ने कहा हो कि होमोसेक्सुअलिटी का कानून पास होने दो, वो मना नहीं करते। अगर वो आज जो गांधीवादी है वो समझते हैं कि गांधी जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये नया कानून आ रहा है उसके खिलाफ क्यों अपवास नहीं कर रहे, उसके खिलाफ क्यों जान देने की धमकी नहीं दे रहे कि हम मर जाएंगे होमोसेक्सुअलिटी आ गई तो? मगर वो नहीं करते। तो अब गांधी जी थे तब होमोसेक्सुअलिटी कानूनन 7 साल सजा हो ऐसा गुना था, अब उसको सरकार मंजूरी देने जा रही है, तो क्या कानून बदलेंगे नहीं? गांधी जी जब गुजर गए उस दिन के बाद भारत वही रहेगा? तो गुजरात से दारूबंदी जा सकती है और जानी भी चाहिए, क्योंकि यह छलावा है। गुजरात में दारूबंदी के नाम पर पुलिस, आईपीएस अधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग, राजकीय पार्टियां इतने अब्बजों रुपया ये माफियाओं से ले रही है। अब ये तो कानूनी तौर पे अगर ये दारूबंदी उठ जाती है तो गुजरात में अब्बजों रुपया, अब्बजों कहता हूं, करोड़ों की बात तो है ही नहीं, अब्बजों रुपया की आमदनी होती एक्साइज की, अब ये नहीं हो रही है। और इतने इनसे भी ज्यादा पैसे पॉलिटिशियनों के जेब में जा रहा है। अब इसमें गुजरात क्या क्या भला हो रहा है? भला तो पॉलिटिशियनों का हो रहा है जो ये दारूबंदी का तूत चला रहे। तो मेरी डिमांड है, मैं मांग करता हूं, खुलेआम कहता हूं, चाहे इसकी कोई सजा भी हो, प्रावधान हो, मुझे सजा कर दी जाए, पर मैं मांग करता हूं कि गुजरात से ये छलावा वाली दारूबंदी हटा दी जाए, गुजरात में दारू पीने की छूट दे दी जाए, सबको छूट दे दी जाए, कोई परमिट लेने की भी बात नहीं रखी जाए। और कहा जाता है कि भाई गुजरात में दारूबंदी है। अब मैं अब खुद जानता हूं, जब मेरे सब दोस्तों के साथ मैं बाहर घूमने जाता हूं, 4 5 कार लेके या बड़ी बस लेके हम जा गए, कहीं राजकोट गए, भावनगर गए, सूरत गए, वलसाड़ गए, सापुतारा गए, अब मैं नीचे उतर के हम 2 3 दोस्त बच्चों के लिए दूध ढूंढने के लिए निकले हैं, अब दूध लेके वापस आते हैं, और हमारे 2 3 दोस्त है वो दारू ढूंढने निकले हैं, उनकी ब्रांडेड कोई बॉटल है वो ढूंढ रहे हैं। और होता अक्सर होता ये है कि मेरे से पहले, मैं दूध लेके वापस आता हूँ, उससे पहले वो बॉटल लेके आ जाते हैं।
तो सरकार कहे तो पूरे हम चैलेंज लेते हैं कि पूरे गुजरात में वो जो गांव का नाम दे, वो गांव में वो जो ब्रांड मांगे वो ब्रांड की बोतल आधे घंटे में पहुंच जाती है। तो अगर ये है ही, ये छलावा ही है, तो उसे हटाओ। और मैं कहता हूं कि राजकीय पार्टियां दोनों, भाजप कांग्रेस, मेरी चैलेंज ले ले। गुजरात के जो 172 MLA है, जो धारा सभ्य है, एक रात को, कोई भी एक रात को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब तय करें, एक रात को या तो इनके ब्लड सैंपल लिए जाए, या तो फिर 172 जो धारा सभ्य है उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाए कि वो सच बोले, और उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा के पूछा जाए, दो ही सवाल पूछे जाए कि आपने कभी दारू पी या नहीं पी, और या आप रोज दारू पीते हैं। मुझे कहने दो, बहुत सारे 172 में से बहुत सारे परसेंटेज तो रोज पीने वालों में से है, और सिंपल मेजोरिटी 172 में से 86 या 87 की जो सिंपल मेजोरिटी होती है वो अक्सर दारू पीने वालों में है, उससे ज्यादा अक्सर दारू पीने वालों में है। बहुत सारे हो गए जो नहीं पीते हैं, हम उसका आदर करते हैं, मगर ये क्या हुआ जब पूरे लोग पी रहे हैं। अब उपले अपर लेवल के जो लोग हैं वो रोज पार्टियां कर रहे हैं, वो रोज पी रहे हैं, जो समाज के निचले लेवल के लोग हैं वो रोज पार्टियां कर रहे हैं, वो रोज पी रहे हैं, पोटली लाके भी पी रहे, जहरी दारू भी पी रहे, सब पी रहे हैं, मगर पीने की मना है। ये कानून तोड़ो, ये कानून बदल डालो। और मैं तो कहता हूं, आह्वान करता हूं गुजरात के दारू पीने वालों को कि निकल पड़ो, 200 500 1000 5000 25000 गुजरात की सब जेल में, ज्यादा से ज्यादा सरकार 20-25 हजार आदमी को रख सकती है, उससे ज्यादा तो जेल में है ही। अब बार बार, कभी आज पकड़े गए, कोई कल पकड़ा गया, एक दिन सब बाहर निकल के आ जाओ और कहो पकड़ लो हमें, हम पकड़ना ही चाहते हैं, हम बोतल लेके बाहर खड़े, हमें पकड़ लो। हर बड़े शहर में 20-25 हजार लोग धरपकड़ कर ले, पकड़े जाए और कहे जमानत नहीं देनी हमें, सरकार रखे। तो ये कानून उड़ जाए, एक दो दिन में उड़ जाए कानून। ये सिर्फ मशीन है पैसे छापने की, ये धंधा बंद किया जाए। गांधी जी का नाम आप खाम खा ले रहे, या तो फिर कड़ी सजा रखे, 20 रुपये दंड होता है गुजरात में दारू पीने पर, परेशानी होती है, नाम अखबार में आते हैं, आपको पुलिस जानबूझ के 6-8 घंटा बिठा के रखती है, बाकी 20-25 रुपये 40 रुपये दंड भर के आप छूट जाते हैं। अब जो आदमी 800 रुपये की बोतल अफोर्ड कर सकता है वो क्या 40 रुपये का दंड जुर्माना नहीं अफोर्ड कर सकेगा? या तो फिर सरकार ऐसे कड़े कानून लाए कि जो भी पकड़े जाए 2 साल की सजा हो, वो धारा सभ्य नहीं हो सके है तो निकल जाए, संसद सभ्य नहीं बन सके है तो निकल जाए, वो जिला पंचायत तालुका पंचायत पंचायत का सदस्य है तो सदस्यता खत्म कर दो। वो भी तैयार नहीं होंगे, वो कड़े कानून के लिए भी तैयार नहीं है। यह 40 रुपया दंड वाला कानून उसे पसंद है ताकि किसी को भी कभी भी पकड़ सके। तो ये फरेब है, इसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं नहीं पीने वालों की ओर से, मांग करता हूं कि जिसको दारू पीना है उसे पीने दे, क्योंकि जो नहीं पीते हैं, सरकार दारू मुफ्त भी कर देगी, एक बोतल मुफ्त में मिलेगी, मैं जाके नहीं लूंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मगर जो पीने वाले हैं वो कौन से भी कानून बना लो वो पिएंगे, तो अच्छा है कि उसे अच्छा दारू व्याजबी भाव से पीने को मिले। 4 गुना भाव देते हैं और नकली बोतल लेके झूमते हैं, तो गुजरात वाले परेशान है ये कानून से। मेरी हमदर्दी है जो कल पकड़े गए, जो हमेशा पकड़े जाते हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे और वो सजा भुगत रहे। सीधी बात में बस आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।